हाय गाइस, वेलकम टू लाइफ ऑफ प्रेरणा। आज का व्लॉग आप संडे को देख पा रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे का व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि फ्रेंड्स, मैं काम पे भी जाती हूँ, तो इसलिए व्लॉगिंग करना और काम को भी करना, थोड़ा सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सैटरडे जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट काम किया है, आप वो इस व्लॉग में देख पाएंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड एन्जॉय द व्लॉग। हेलो, हाय एवरीवन। बहुत दिनों से मेरी स्टडी टेबल को मैं ऑब्जर्व कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा मेसी और क्लटर्ड थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना कोई होम इम्प्रूवमेंट का ऐसा प्रोडक्ट मंगाए जो कि मेरी स्टडी टेबल को और मेरे रूम को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी कर दे और साथ ही साथ सुंदर भी लगे। तो आगे चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा है। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन से लिया है। इसकी प्राइसिंग मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पर आगे देखिए कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये ग्लास जो कि मैंने अपने किचन से बोरो किया है, और इसमें मैंने एक बहुत प्यारा सा मनी प्लांट लगाया है, और ये वाला चीज मैं अपने टॉप शेल्फ में रखने वाली हूँ। उसके बाद है ये दो छोटे छोटे मिनिएचर टॉयज जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो एवेंजर्स मूवी के बारे में आपने सुना होगा, वो मेरी और मेरी फैमिली की बहुत ही फेवरेट मूवी है। तो उसी के कैरेक्टर्स हैं, एक हल्क और एक थॉर, जो कि मैं सेकंड शेल्फ में लगाऊंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक छोटा सा मोमेंटो जो मैंने और मेरी मम्मा ने जब हम दुबई की ट्रिप पे गए थे वहाँ से खरीदा था। सो इसमें बुर्ज खलीफा और दुबई की और छोटे मोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इसको भी हम यादगार के तौर पर ऊपर लगा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये गणेश जी की मूर्ति है। तो मैंने सोचा स्टडी टेबल पे गणेश जी का होना तो मस्ट है, इस वजह से मैं इनको टॉप शेल्फ में लगाने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये कॉफी मग जो मैं अभी रिसेंटली नवंबर में स्पेन गई थी, तो वहां पे मुझे मेरे एक वर्क कलीग ने गिफ्ट दिया था, तो मैंने सोचा स्टडी टेबल में इसको भी ऐड कर लेते हैं, बिकॉज पढ़ाई करते वक्त किसको नींद नहीं आती है। नेक्स्ट मैं आपको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखते हुए दिखाऊंगी। स्किन केयर मैं रोज करती हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपने अरेंज कर रही हूँ ताकि मैं उनको रोज इजीली एक्सेस कर पाऊँ। अपनी एक डायरी जिसमें मैं रोज अपनी काम की चीजें लिखती हूँ वो, और पेन होल्डर आगे रखने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी कुछ फेवरेट बुक्स आगे रखने वाली हूँ। ये सब बुक्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रही होती हूँ, या फिर जब आई वॉन्ट टू फील मोर अलाइव, तो देन इन दैट केसेस आई यूजली स्टडी दीज बुक्स। एंड साथ ही साथ इन दिस शेल्फ आई ऑल्सो बी कीपिंग अ सेंटेड कैंडल जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट करी थी, तो इनको देखिए आप कैसे मैं अरेंज करती हूँ। नेक्स्ट है ये कलर बाग का मेकअप किट जो मैंने बैंगलोर से परचेज किया था। इसके अंदर वो मेकअप है जो मैं यूजुअली डेली वेयर में पहनती हूँ, और आगे की फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मेरे मेकअप किट में और मेरे स्किन केयर में क्या क्या है और क्यों है। तो गाइज, ये है पूरा फाइनल लुक मेरी स्टडी टेबल का।
यहाँ पे ये वाली जो शेल्फ है अमेजोन से ऑर्डर्ड है, और साथ में एक लैम्प है जो बहुत दिनों से मेरे पास है. मैंने अपना लैपटॉप भी यहाँ पे रखा है जो कि आजकल बहुत एसेंशियल है. आप मेरे पीछे मेरी वॉल भी देख पा रहे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगी कि मैंने कितने रुपीज़ का ख़रीदा है. बाय बाय.